एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अज़रा खान फिटनेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी टेस्टी केक की रेसिपी। इसमें मैदा यूज नहीं हुआ है, अंडा यूज नहीं हुआ है और ना ही चीनी यूज हुई है, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा डिलिशियस भी है। और इस लॉकडाउन पीरियड में जब थोड़ा सा स्वीट क्रेविंग्स हमारी आती हैं, तो इस सिचुएशन में स्वीट क्रेविंग्स को कर्व करने के लिए मुझे लगता है ये केक काफी आपकी हेल्प करेगा। टेस्टी है, डिलिशियस है और हेल्दी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। बहुत ज्यादा क्विक है, मैंने माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया इस केक को बनाने में, पर आप चाहें तो आप कढ़ाई को एज अ अवन, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे कैसे कढ़ाई में भी आप अपना केक बेक कर सकते हैं, उसको देख के आप कढ़ाई पे, कुकर में, हर जगह बना सकते हैं। सो डोंट वरी, अगर माइक्रोवेव नहीं है, अवन है तो उसको यूज करिए, कढ़ाई है तो उसको यूज करिए एंड प्रिपेयर योर ओन नो मैदा नो शुगर एंड नो एग केक एट होम। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो इस केक को बनाने के लिए हमें लगेगा 1 कप ऑफ आटा। आटे को अच्छे से उसको छान लीजिए ताकि उसके अंदर कोई लम्स नहीं रहे। पहले एक बर्तन में हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड फिर उसके अंदर हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डाला है 1 कप ऑफ आटे के अंदर। मेजरमेंट्स का ध्यान रखें, बिकॉज अगर मेजरमेंट्स सही रहते हैं तो आपका केक भी अच्छे से बेक होता है। यहाँ पे फिर मैंने 1 टीस्पून ऑफ अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाला है जस्ट फॉर अरोमा एंड फ्लेवर। आई एम नॉट एडिंग एनी वनीला एसेंस ऑल्सो, तो इसी से थोड़ा अरोमा आएगा हमारे केक के अंदर। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फिर अच्छे से हम लोग को मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे एंड फिर हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। जो स्वीटनर का इस्तेमाल कर रही हूँ वो है हमारा जैगरी। ये जो जैगरी गुड़ का पूरा एक बड़ा सा पीस था, उसको मैंने माइक्रोवेव में 10 सेकेंड्स तक गर्म किया तो वो पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया एंड वही मैं ऐड करूँगी। अगेन यहाँ पर मैं 1-2 रुपये का कॉफ़ी वाला सैशे डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा कॉफ़ी का पंच आए, कॉफ़ी का फ्लेवर आए। इट टेस्ट रियली गुड एंड आई पर्सनली लाइक कॉफ़ी फ्लेवर, दैट्स वाई आई एम एडिंग कॉफ़ी इन माई केक। यू कैन टोटली अवॉइड इट और यू कैन ऐड मोर डिपेंडिंग ऑन वॉट योर प्रेफरेंस ऑफ फ्लेवर इज। मेन की इन्ग्रीडियंट हमारा आटा ही रहेगा। अच्छे से इन सब इन्ग्रीडियंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इन इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें अपना जो स्वीटनर है वो डालेंगे, यानी कि जो मेल्टेड जैगरी है वो डालेंगे। स्वीटनर मेल्टेड जैगरी है, अनप्रोसेस्ड शुगर है, इससे बेहतर ऑप्शन मिल नहीं सकता इस केक के लिए। आप चाहे तो स्टेविया डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, बट स्टेविया से बेटर जैगरी मुझे लगता है, बिकॉज डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू एनहांस द फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ योर केक। नाउ जब हम लोग जैगरी को डाल देंगे तो उसको अच्छे से हम लोग अगेन अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज़ किया है एंड 1 कप ऑफ कर्ड यूज़ किया है। तो हर चीज़ 1 कप मैंने डाली है एंड जो मिक्सचर है वो इस तरीके से हमारा बन के तैयार होगा। देन ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें मैं डालूंगी अराउंड 1 कप ऑफ मिल्क। अगेन मेजरमेंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी जस्ट इन केस यू गेट कन्फ्यूज। एंड 1 कप मिल्क डाल के हम लोग देखेंगे कि क्या कंसिस्टेंसी है मिक्सिंग के बाद। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा गाढ़ा फिर भी रहेगा तो वील एड अ लिटिल बिट ऑफ मोर मिल्क। तो कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए उसके हिसाब से आपको मिल्क ऐड करना है अगर आप चाहते हैं तो। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मीडियम प्रोपोर्शन में हमारा केक का बैटर होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं अपना विस्कर से विस्क कर रही हूँ। दैट इज़ द मोस्ट टीडियस जॉब गाइस, क्योंकि अगर लम्स रहेंगे हमारे केक के बैटर में तो डेफिनेटली केक अच्छे से बेक नहीं होगा। तो अगेन मुझे लग रहा है कि हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो 1/2 कप मैं मिल्क फिर से इसमें ऐड करूँगी एंड देन आई विल मिक्स इट अप। अगेन मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, दैट्स द की। आफ्टर एडिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स जस्ट वी हैव टू विस्क इट एंड प्रिपेयर आवर बैटर एंड देन हम लोग इसको बेक करने के लिए तैयार करेंगे। बेकिंग मैं यहाँ पे करूँगी माइक्रोवेव के हेल्प से एंड बेकिंग ट्रे को कुछ इस तरीके से हम लोग को प्रिपेयर करना है कि कोई भी बेकिंग ट्रे जो आपके लिए, जो केक के लिए अप्रोप्रिएट हो, उस पे हम लोग पहले ग्रीजिंग करेंगे। 1/2 टीस्पून ऑयल डाल के ब्रश से हम लोग ग्रीस कर लेंगे सिलिकॉन ब्रश से एंड देन वी आर गोइंग टू पोर इन ऑल आर बैटर। एड सम नट्स, मैंने अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ आलमंड्स को अच्छे से चॉप करके उसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा क्रंची फ्लेवर आएगा एंड ऑफकोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो आपकी भूख को, जो इवनिंग हंगर क्रेविंग्स होती है उनको, इट विल कीप एट बे।
सारे आलमंड्स मैंने डाल दिए। इसमें आप रेजन्स डाल सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं, फिग्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी आप बेकिंग ट्रे ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये इस तरीके का बेकिंग ट्रे लिया हुआ है। इसमें मैं ब्रेड्स को भी बेक करने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड नाउ आई एम पोरिंग ऑल द बैटर जो हमारा विस्क किया हुआ था वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी अच्छे से। केक का बैटर डालने के बाद अच्छे से हम लोग को टैप करना है। टैप करने का रीज़न ये है कि अगर कोई भी एयर बबल ट्रैप हो गया है हमारे केक के बैटर के बीच में तो वो अगेन अच्छे से बेक नहीं होगा। यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव ओवन प्री हीट हो रहा है 180 डिग्रीज पे हमें इसको प्री हीट करना है। एंड देन 30 मिनट्स के लिए हम लोगों को अपने केक को बेक करना है। एंड देन एक टूथपिक डाल के बीच में इंसर्ट करके हम लोग को चेक करना है केक बेक हुआ है अच्छे से कि नहीं। अगर नहीं अच्छे से बेक हुआ है तो 2-3 मिनट के लिए और बेक कर दीजिए। आई थिंक इतना टाइम ठीक रहता है बेक करने के लिए। जैसे ये हमारा सुंदर सा केक रेडी है। द टेस्ट वॉज रियली गुड एंड ये अच्छे से काफ़ी बेक हो गया है। अपना केक को इससे निकालने के पहले अच्छे से लेट इट कूल डाउन पहले, वरना केक अच्छे से बाहर नहीं निकलता है। यहाँ पर मैंने केक अपना निकाल दिया एंड लुक एट इट हाउ फ्लफी इट इज़। एंड कोई ऐसा इंग्रेडिएंट फ्लफी बनाने के लिए यूज़ नहीं किया है, स्टिल इट इज़ रियली फ्लफी स्पंजी एंड डिलिशियस एज वेल। सो या आर आलमंड हनी केक इज़ रेडी फॉर यू गाइज टू ईट। यू कैन डेफिनेटली हैव इट एज योर केक इज एज योर इवनिंग स्नैक विद योर टी कॉफ़ी वट एवर यू प्रिफर। एंड या इन्जॉय इट, लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। दिस वॉज माई डिलिशियस केक रेसिपी। आई होप आप इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर करेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा। मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं कैसी लगी ये रेसिपी। अगर ट्राई करते हैं तो भी मुझे बताइए वापस आके whether you liked it or not. End of this video. I'll see you guys in my next one. Until next time, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.